हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में फ्री में म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ कैशबैक रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हैं या फिर आगे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप उस लिंक से ज़रूर अपना अकाउंट ओपन कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप आगे मिस ना कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में आ जाएंगे। यहाँ पर से आपको ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी कोई भी एक जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी सिम है वो आपका नंबर शो करेगा। देन इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। देन इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, अपना सिंगल मैरिड। देन इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इनकम सेलेक्ट करना है, अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 5 लाख आपकी जो भी इनकम है आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है आपको कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है क्या। अगर आपको कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नो एक्सपीरियंस पर क्लिक कीजिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी डिटेल्स में अपने मदर नेम एंड फादर नेम को एंटर करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को ऐड करना है या नहीं। हम यहाँ पर से यस पर क्लिक कर ऐड भी कर सकते हैं या चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक को सेलेक्ट करना है। जो भी अपना बैंक आप ग्रो ऐप में लिंक करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सर्च कीजिए। देन इसके बाद अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंटर कीजिए। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर वी आर डिपॉजिटिंग 1 रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट टू वेरीफाइड। यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन डिपॉजिट करेंगे ताकि आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सके। अब बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट सेटअप। यहाँ पर आपको कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यहाँ देख सकते हैं प्रोसीड टू फॉर केवाईसी। प्रोसीड फॉर केवाईसी पर क्लिक कर अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैनुअली। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैनुअली पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैमरे से अपने एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको एक इस कोड के कोड नंबर दिया जाएगा, उस कोड नंबर को आप एक वीडियो में 5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है। आप कोड नंबर भी बोल सकते हैं या अपने हाथ के इशारे से उंगली से बता भी सकते हैं। देन इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर आप सैंपल दे सकते हैं, इसी सैंपल के मुताबिक आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। इसके बाद आपको आधार का फ्रंट कॉपी अपलोड करना है। यहाँ पर आप कैमरे से सैंपल में जैसा बताया गया उसी तरह से आप कैमरे पर क्लिक कीजिए और अपने आधार कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का बैक साइड अपलोड करना है। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड करने के बाद इसके बाद आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सिग्नेचर वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करनी है ऑनलाइन ही। प्रोसीड टू सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर जो ऐसा साइन कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी अपने सिग्नेचर कर लीजिए। इस तरह से आप अपने सिग्नेचर कंप्लीट कर लीजिए। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आधार ई साइन। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू आधार ई साइन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू आधार ई साइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर
टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। आई कंफर्म आपका मोबाइल नंबर बताया गया है एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री टर्म्स एंड सर्विसेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी देख सकते हैं, आपके सभी डिटेल्स जो आपने फिल किए हैं यहाँ पर से आप पढ़ भी सकते हैं और अपने फॉर्म को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पर साइन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये NSDL की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है, पर अपना आधार नंबर एंटर कीजिए। देन इसके बाद अपने के आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन सक्सेसफुली, अदर साइन सक्सेसफुली आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्टिंग विल बी एक्टिवेटेड इन 24 आवर्स। आपका स्टॉक डीमैट अकाउंट 24 आवर्स में एक्टिवेट किया जाएगा, आप यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम यहां पर ऐड मनी टू इन्वेस्ट पर क्लिक कर अपना फंड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड एंड डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर KYC कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन।